तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत बोर्ड नेक डिज़ाइन लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको अपना एक छोटा सा मैसेज देना चाहते हैं। दोस्तों मैसेज ये है, हमारे रूप सर ने अभी अभी एक चैनल लॉन्च किया है जिसका नाम है पीके है क्या। दोस्तों आपको चैनल का नाम सुन के थोड़ी हंसी तो आई होगी, लेकिन इस चैनल की जो खूबियाँ हैं उनको जानकर आपको भी आश्चर्य होगा। उस चैनल के अंदर दोस्तों आपको ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनाना सिखाए जाएंगे जिनके बारे में आपने कभी बनाने को सोचा भी नहीं होगा। मतलब कि बचे हुए कपड़े में, फटे हुए कपड़े में और पुराने बेस्टेज कपड़ों को रीयूज़ करना उसमें वो आपको बताएंगे। तो अगर दोस्तों उनके चैनल को आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके उनके चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये खूबसूरत सा बोर्ड नेक डिज़ाइन बनाने के लिए हमने यहाँ पर दो प्रकार का मैचिंग कपड़ा यूज़ करना है और अपनी पेपर फ्यूजिंग में नेक काटना है। तो हम सबसे पहले अपना नेक काटेंगे। तो दोस्तों नेक काटने के लिए हमने अपनी पेपर फ्यूजिंग को डबल फोल्ड करके रखा हुआ है और हम अपने नेक की ब्रॉडनेस का निशान लगाएंगे। तो हमारे नेक की ब्रॉडनेस 9 इंच है, 9 इंच का हाफ करके 4.5 पर निशान लगा लेंगे। नेक के हमारी जो लंबाई है वो है 3.5 और इसके बाद दोस्तों हम बोर्ड नेक की शेप दे देंगे। ये देखिए ये हमारी बोर्ड नेक की शेप हो गई है। इसके बाद दोस्तों हम अपने इस वाले निशान से नीचे की तरफ 4.5 इंच पर मार्क लगाएंगे। ये हमने 4.5 पर लगा लिया है और इसके बाद दोस्तों हम दूसरा निशान 3.5 इंच पर लगाएंगे और तीसरा निशान हम दोस्तों 2.5 इंच पर लगाएंगे। अब इसके बाद दोस्तों हम अपने इस वाले निशान से यहाँ तक अपनी एक कुछ इस प्रकार से शेप देंगे। देखिए अब इसके बाद ऐसे ही शेप हम अपने दूसरे वाले पे और तीसरे वाले पे देंगे। ये हमने कुछ इस प्रकार से शेप दे दी है और अब इसके बाद इसके बाहर की तरफ हम 0.5 इंच पर मार्क लगाएंगे, मतलब के 1-1/4 इंच। तो दोस्तों देखिए ये हमारी मार्किंग हो गई है। इसके बाद हम अपनी सेम मार्किंग पे कटिंग कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहां पर हमारा जो नेक है वो कुछ इस प्रकार से कट गया है और अब हम अपने इस नेक को मैचिंग कपड़े पर चिपका लेंगे। तो देखिए दोस्तों हमने अपने नेक को चिपका लिया है और चिपकाने के बाद में बाहर की तरफ से पेपर फ्यूजिंग से मिलाकर बिल्कुल कपड़े की कटिंग कर दी है और इसके बाद दोस्तों हम अपने नेक पे बाहर की तरफ पाइपिंग लगाएंगे, जो हमने आपको दूसरा वाला मैचिंग कपड़ा बताया था। तो उस कपड़े में से हमने दोस्तों औरे पट्टी निकाल ली है। तो इस औरे पट्टी को हम पहले नीचे रखेंगे और नीचे रखने के बाद में अपने नेक को इसके ऊपर रखेंगे और जितनी मोटी हमें पाइपिंग चाहिए उतनी ही मोटी सिलाई लगाएंगे। तो ये हमने अपनी पाइपिंग वाली पट्टी को जोड़ लिया है और जोड़ने के बाद में दोस्तों जहाँ जहाँ आपकी पेपर फ्यूजिंग में सेफ है वहाँ वहाँ आपको अपने इस प्रकार से कपड़े में कट लगा लेने हैं। कट ज़्यादा गहरे नहीं लगाने हैं आपको, हल्के हल्के कट लगाने हैं, ऐसा ना हो बिल्कुल लास्ट तक आप कट लगा दें। और अब इसके बाद दोस्तों हम अपने इस कपड़े को अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद में देखिए दोस्तों यहाँ पर इतनी बारीक हमारी पाइपिंग निकल कर आ रही है। इसी तरीके से हम पाइपिंग के बराबर में सिलाई लगाकर पूरी पाइपिंग को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए दोस्तों हमने अपने नेक के बाहर की तरफ पाइपिंग जो है बड़ी ही फिनिशिंग के साथ निकाल दी है और अब इसके बाद दोस्तों हम अपने नेक को कुर्ती पर रखकर अटैच करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, तो पहले हम अपनी कुर्ती को उल्टा करके ऊपर की तरफ रखेंगे और उसके बाद अपने नेक को बिल्कुल बीच सेंटर में इस तरीके से सेंटर बना लेंगे पहले और सेंटर में रखेंगे। ये हमने अपने नेक को बिल्कुल सेंटर में रख दिया है और सेंटर में रखने के बाद पहले बीच सेंटर में एक कच्ची सिलाई लगा देंगे और फिर अपनी पेपर फ्यूजिंग की शेप के अकॉर्डिंग सिलाई को कंप्लीट करेंगे।
अब इसके बाद दोस्तों हम इसके अंदर का कपड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए कटिंग कर देंगे। तो दोस्तों अंदर का कपड़ा काटने के साथ साथ हमने यहाँ पर अपने छोटे छोटे नोचेस भी लगा दिए हैं और इसके बाद हम अपने इस नेक को सीधी तरफ फोल्ड करते हुए फिनिशिंग के साथ प्रेस लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों नॉर्मल तरीके से हमने अंदर की तरफ भी पाइपिंग लगा ली है और इसके बाद लुक देखिए कितना खूबसूरत आ गया है। अब इसके बाद दोस्तों हम एक कपड़ा लेंगे जिसको हमने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है, इस कपड़े को नीचे रखेंगे और फिर इसके बाद अपने नेक को इसके ऊपर सेट करेंगे। ये देखिए कुछ इस प्रकार से हम अपने नेक को सेट कर लेंगे और सेट करने के बाद में इसको सिलाई मारकर यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा जो नीचे वाला कपड़ा है बहुत ही फिनिशिंग के साथ अटैच हो रहा है। इसके बाद दोस्तों इसको अटैच करने के बाद हम बाहर की तरफ जो देख रहे हैं आप ये खुला हुआ है, इसको भी हम सिलाई मारकर पैक कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों फाइनल होने के बाद में हमारे नेक का जो लुक है बहुत ही खूबसूरत आ गया है। इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का ये नेक डिज़ाइन हुआ पूरा। आपको हमारा आज का ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही दोस्तों हमारे रूप सर के चैनल को भी फॉलो कर लें जिसका नाम है पीके है क्या। तो इस चैनल का जो लिंक है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जल्दी से उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें।